press the bell icon for notification. सबसे ज्यादा प्रतीक्षित फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान सिनेमा में आने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म में जहां एक ओर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाने वाले आमिर खान। सिनेमा प्रेमियों के लिए फिल्म यकीनन दर्शनीय होगी, लेकिन साथ ही साथ ये इतिहास में जरा सी भी रुचि रखने वालों के लिए भी ये फिल्म एक सवाल की तरह आई है कि आखिर हिंदुस्तान के ये ठग कौन थे जिनकी बात फिल्म करना चाह रही है। सही मायने में ठगों को लेकर इतिहास में और इतिहासकारों में भी अनेकों अनेक मत रहे हैं। जहां कुछ किंवदंतियां कहती हैं कि प्राचीन समय में अलेक्जेंडर के समय में भी भारत में ठग मौजूद थे, वहीं अन्य इस बात पर दबाव देते हैं कि ठगों का प्राचीनतम ऐतिहासिक प्रमाण मिड 14th सेंचुरी में जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी तारीख फिरोजशाही से मिलता है। बर्नी हमें अपनी किताब में बताते हैं कि सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने हजार लोगों को ठगी के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। परंतु सवाल का जवाब फिर भी रह ही जाता है कि ये ठग आखिर कौन लोग थे। जहां तक सामाजिक और धार्मिक समूह की बात है, तो ये देखा गया है कि हिंदू एवं मुस्लिम दोनों ही तरह के लोग ठगी में शामिल थे, तथा वे अपने आप को अलग पहचान वाले भिन्न समुदाय की तरह मानते थे। काली की पूजा करना, बलि चढ़ाना और लूट में शामिल होना उनकी जीवन शैली का बहुत गहरा हिस्सा था। लूट या ठगी की वारदातों को अंजाम देने के लिए वो अक्सर व्यापारी कारवाओं का हिस्सा हो जाते थे, तथा सही समय और माहौल पाकर बड़ी होशियारी से अपने काम को अंजाम दे देते थे। कुल मिलाकर ठगों की एक बहुत ही नकारात्मक और बर्बर छवि हमारे सामने बनती है, जिसमें बलि और लूट उनको समाज के पिछड़े लोगों की तरह दिखाती है। ऐसा लगता है कि ठग समाज के अनैतिक और घृणित लोग थे, लेकिन उनकी कहानी का यह हिस्सा भी इतिहासकारों द्वारा चैलेंज किया गया है, तथा कहा गया है कि ठगों की यह बर्बर समझ काफी हद तक अंग्रेजों की देन रही, जिनकी नजर में भारतीय पहले से ही असभ्य थे। तो ऐसे में जंगल में या दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले भिन्न समुदाय तो और ज्यादा शक के घेरे में रहते थे। मार्टिन वैन वोयरकेंस का मानना है कि 18वीं से 19वीं शताब्दी का ठग कल्ट पूरी तरह से अंग्रेजी मानसिकता की उपज थी। अंग्रेज अधिकारी भारत के बारे में एक बहुत ही निम्न और भ्रांति भरी समझ लेकर आए थे। ऐसे में यहाँ के समुदायों को हद से ज्यादा बार्बरिक दिखाना, खूनी और उन्मादी दिखाना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। कुछ इतिहासकार तो इस नतीजे पर भी पहुंचे हैं कि अधिकतर ठग और उनके सरदार तो वो लोग थे जो पूर्व में किसी भारतीय राजा की सेना में कार्यरत थे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद और लोकल किंगडम के समाप्त होने पर एक बदले और अंग्रेजों से छुटकारे की भावना से ऐसे हमले, लूट और राजनीतिक अस्थिरता को अंजाम दे रहे थे। हम नहीं जानते कि अमिताभ बच्चन और आमिर खान की ये फिल्म किस तरह से अंग्रेजों और ठगों के संबंधों की पड़ताल करने वाली है, परंतु फिल्म में उनका एक काल्पनिक संघर्ष तो अवश्य दिखाया गया है। फिल्म का ट्रेलर किसी भी सत्य घटना पर आधारित होने का दावा नहीं करता, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म की पटकथा को दिशा देने में फिलिप मीडोज टेलर की 1939 में लिखी किताब कॉन्फेशंस ऑफ अ ठग का सहारा लिया गया है, जिसने अंग्रेजी भाषा बोलने वालों की वोकैबुलरी में एक नए शब्द ठग को जोड़ा। चाहे वो ठग हो, सन्यासी, फकीर, किसान और यहाँ तक कि गौंड और संथाल जैसे आदिवासी समूह, सबने अपने अपने दमन के लिए कभी न कभी अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई, और ज्यादातर अंग्रेजी साहित्य में उनके संघर्ष को बर्बर, असभ्य और असामाजिक लोगों का अंग्रेजी सिविलाइज और शक्तिशाली लोगों के साथ हुए संघर्ष के तौर पर दिखाया गया है। फिल्मी दुनिया के ठगों से अलग ऐतिहासिक दुनिया के ठगों की कहानी भी अंग्रेजों के खिलाफ हुए ऐसे ही आम संघर्ष की तरह नजर आती है। आशा है ये फिल्म यकीनन लोगों को ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से मिलवाने में थोड़ी तो मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो को और जानने के लिए साइड में लगी हुई घंटी को जरूर दबाइएगा। जय हिंद।